यस बेटा, स्विच ऑन योर कैमरास एटलीस्ट। ओके। ओके, साईराम चल रहे हैं वंस अगेन। यस, 20 आर देयर, आई कैन सी। बच्चे धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा बताओ, व्हाट वी हैव टू स्टार्ट टुडे? मैम एक्सरसाइज 3.6.3 कर रहा था। वी आर डूइंग 6.3। यस मैम। ओके, 6.3 कर रहे थे। चलो ठीक है, आई थॉट कि वी हैव टू स्टार्ट 6.4। अभी देखती हूँ मैं, 6.3, 6.3, लेट मी चेक। ओके, 6.3 सम लास्ट क्वेश्चंस आर देयर, है ना? ठीक है। ओके, चिल्ड्रन, नाउ वी विल स्टार्ट मैम डूइंग 6.3 के फोर्थ क्वेश्चन से करना फोर्थ है। फोर्थ, क्वेश्चन। हाँ मैम फोर्थ, हाँ थर्ड, थर्ड वाले से, थर्ड वाले। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन पे। ओके, हाँ, ऑन दैट डे आई वाज आस्किंग सम क्वेश्चंस टू यू, राइट? तो 6.3 क्वेश्चन नंबर, तो फिर ये तो फर्स्ट इसमें ही आएगा। ओके, लेट मी चेक। लेट मी चेक इट। अच्छा, ये वीडियो हमने उतना ही आधा ही देखा था। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 था। 2 मैंने बता दिया था तुम लोगों को, देन 3। अच्छा, ट्रेपेजियम वाला तो बता दिया था बेटा। ट्रेपेजियम वाला तो क्या करना था उसमें? मैम ओए एक अपॉन, ट्रेपेजियम वाला तो वो एग्जाम्पल में था ना हाँ, तो वैसा ही मैंने करने के लिए बोला था। मैम, वैसा चलो तो उसके बाद भी था एकदम ऐसे वाला। ओके, चलो ठीक है, हम देख लेते हैं। आई विल शेयर माय स्क्रीन। हाँ, वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर, विच आई विल शेयर एट लास्ट, वो तुम लोग को बताएंगे आगे अपनी मैथ्स लैब एक्टिविटी के बारे में। तो लास्ट के 5 मिनट्स में मुझे याद दिलवा देना एक बार, जस्ट रिमाइंड मी। यस, इज इट कमिंग? हाँ, इज इट विजिबल बेटा? यस मैम। ओके, नाउ लेट मी नो वेदर इट इज ऑडिबल ऑल्सो और नॉट। आवाज आ रही है बेटा? यस यस मैम। मैम। ओके, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। मितुषी, यू रीड बेटा थर्ड क्वेश्चन। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। यूज अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स शोइंग दैट ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। हाँ, ये हमको शो करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी। सबसे पहले तो क्या है, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले हम ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं, एंड डायगोनल्स वी विल ड्रॉ ए सी एंड बी डी, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने ओ। अब क्या है, यूजिंग सिमिल, अच्छा इसमें पैरेलल कौन सी है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेपेजियम? ये मैंने लास्ट क्लास में भी पूछा था। मैम टू साइड्स वन आर पेयर ऑफ पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हाँ, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये होता है वह क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। सो हियर विच साइड्स आर पैरेलल? ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये गिवन है हमको।
Now, using a similarity criteria for two triangles, what we have to show? OA upon OC. अब यहां से समझ में आ रहा है कि एक ट्राइंगल की एक साइड होगी OA, दूसरे के साइड उसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होनी चाहिए? OC. Equals to show करना है OB upon में क्या आ रहा है? OD. OB upon में OD, मतलब ये वाला पार्ट. तो यहां से हम ट्राइंगल समझ सकते हैं बेटा कि कौन सा ट्राइंगल हमको लेना है. इसमें AOB. हाँ, ये गलत लिखा है यहाँ पे. AOB equals to, ये देखो ये जो नाम है, अब कई बार इस तरह से मिस्टेक्स हो जाती है लिखने में कि प्रूफ में देखो यहाँ क्या लिखा है, इन ट्राइंगल AOC. तो AOC तो कोई ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है, राइट? इज द फिगर गिवन इन योर बुक? नो मैम. नो मैम. नो नो. तो इफ वी विल ड्रॉ, तो विल ड्रॉ लाइक दिस ओनली. ABCD हमने ले लिया, AB इज पैरेलल टू DC. और अगर हमको OA अपॉन OC बताना है तो OA अपॉन OC ये साइड हुई और दूसरा है OB अपॉन में OD. तो यहां से इन दोनों साइड को देख के समझ में आता है कि विच टू ट्राइंगल्स वी विल टेक बेटा. AOB एंड OA के करस्पॉन्डिंग कौन है? OC. तो COD. तो यू शुड राइट दीज नेम्स AOB इन ट्राइंगल्स AOB एंड COD. क्या लिखेंगे? ये दोनों यहाँ पर देखो, ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल. इनको नाम दे दो, एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू. दिस टू एंगल्स आर इक्वल हाउ? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल. इनको वन टू. और यहाँ पे AOB में जो एंगल A बन रहा है, ये कर्सर पे ध्यान दो बेटा, इसको नाम दे दो एंगल थ्री. और ये एंगल COD में C पे जो बन रहा है, कर्सर पे ध्यान देते हुए इसको नाम दे दो फोर. Now you will write in triangle. In triangle का नाम तो हम पहले लिख चुके AOB और COD में. हमने बता दिया क्या बेटा, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गए, हमने 1 2 नाम दिया है तो. और ये वाला हो गया एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. ध्यान से देखना क्या गिवन है. AB is parallel to DC. जैसे ही AB और DC parallel है तो AC will be a transversal. ट्रांसवर्सल. और जैसे ही AC ट्रांसवर्सल है तो एंगल A इक्वल होगा एंगल C के. किससे? व्हाट इज द रीजन? अल्टरनेट एंगल्स. तो इनको नाम भी दे देना 1 2 3 4. तो 1 इक्वल टू 2 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल BOA एंड 3 इक्वल्स टू 4 बाय AIA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंगल. ऐसा. What is the full form of AIA? Alternate interior angles. मैंने सोचा artificial intelligent angles. ठीक है. Okay. तो अब in these two triangles, two corresponding angles we have shown. तो क्या कर सकते हो बताओ आगे? Angle similarity criteria से दोनों को similar बता देंगे, उसके बाद जो corresponding sides है वो by CPCT similar हो जाएंगे. मतलब इक्वल हो जाएगी. उन इक्वल नहीं होंगे बेटा, वो करल उनकी वो तो भाई सेम रेशियो में, सेम रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगी, है ना? रेशियो हां सेम हो जाएगा. वेरी गुड. तो बस यही लिखना है तुमको. तो एज इन दीस टू ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल AOB एंड COD, ये यहां पे इसको करेक्ट कर लेना. तो इन दीस टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा बेटा? बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया दीस टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर. तो क्या हो जाएगा, जैसे ये सिमिलर हुए तो फिर तुम इसको आगे लिख सकते हो कि इफ दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. सो OA अपॉन OB विल बी इक्वल्स टू OB अपॉन OD. अब ट्राइंगल के नाम लिखते टाइम बहुत ध्यान से देखना, OA अपॉन OC बताना है तो मतलब AO किसके करस्पॉन्डिंग है? CO के. और BO किसके करस्पॉन्डिंग है? OD के. तो मतलब AOB और COD अगर लिखते हो तो AOCO हो गया, इधर OB आया तो OB, और इधर COD में OD आया तो OB अपॉन OD, ये दोनों आपस में है ना. और AB और DC करस्पॉन्डिंग हो जाएगी. हालांकि ये इसमें पूछा नहीं है, बट अगर ये भी पूछा होता कि प्रूव AB, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं. यहाँ तो यही बोला है OA अपॉन OB बताओ ये इक्वल है, इसकी बजाय डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकते हैं शो कि दिस इज इक्वल्स टू AB अपॉन DC, है ना, ये रेशो भी पूछ सकते हैं.
तो क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं तो ये रेशो भी क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? प्रोपोर्शनल हाँ ठीक है, इक्वल होगा, है ना। ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी, एंड यू कैन राइट दिस विल बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी सी। तुम चाहे तो एडिशनल इसमें लिख भी सकते हो कि कोई क्वेश्चन इस तरह से भी तुमको पूछ सकते हैं। यही होता है क्वेश्चन को घुमाना, ट्विस्ट करना। अब बच्चे सोचते हैं जो रट के जाएगा इसको, पहली बार तो ओ बी ओ सी ओ डी रटते जाओगे ना, तो जब लिखने बैठोगे तो सब उल्टा पुल्टा ही लिखोगे, 100% गारंटी। और लिख भी दिया जैसे तैसे, तो पूछने में हमने पूछ लिया, तुम रट के गए ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, और मैंने पूछ लिया प्रूव दैट ओ बी अपॉन ओ डी इक्वल टू ए बी अपॉन डी सी। अरे ये क्वेश्चन तो था ही नहीं बुक में। जिसने इसको समझ के किया है वो ये कर सकता है कि अच्छा ये भी तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ही है। तो जैसे ही हमने इसकी सिमिलरिटी बता दी तो हम किन्हीं भी थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल बता सकते हैं। इज इट क्लियर? सो दिस वॉज द थर्ड क्वेश्चन, इज इट क्लियर टू यू? यस मैम, यस मैम, यस मैम। बेटा ये ध्यान रखना, मैम जब भी तुमसे क्लास के ड्यूरेशन में कोई भी क्वेश्चन पूछती है ना, हम जब भी तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हेन द क्लास इज गोइंग ऑन, देन जो बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे, वी आर नाउ असेसिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ योर डेली परफॉर्मेंस। अब ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ लेना कि अगला असेसमेंट व्हाट्सएप के जैसा क्वेश्चन पेपर नहीं आने वाला है जैसा अभी हुआ था। द नेक्स्ट थिंग इज दैट जो रेगुलर रहेगा, अटेंटिव रहेगा, और अटेंटिव का मतलब जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपको जवाब देते आना चाहिए। नेटवर्क इश्यू किसी के साथ एक बार दो बार हो सकता है, हमेशा नेटवर्क इश्यू नहीं होता है। तो ये चीजों पे तुम्हें ध्यान देना है सारे ही सब्जेक्ट में। एज अ क्लास टीचर मैं तुमको ये बात बता रही हूँ, और नवंबर में ही तुम्हारा अगला असेसमेंट प्लान होगा, तो अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दो। जिस क्लास में तुम्हारा प्रॉपर बिहेवियर, प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, फिर उसमें तुम्हें दिक्कत आएगी। व्हाट एवर वर्क असाइनमेंट टीचर्स आर गिविंग यू हैव टू टेक इट सिंसियरली। आज भी मैं देख रही हूँ कि ओनली 23 स्टूडेंट्स आर देयर। पता नहीं कौन से दूसरे बिजी कामों में बिजी रहते हैं ये बच्चे, अभी से दिवाली की सफाई करने लग गए या क्या, या दूसरी कोई क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है। मुझे पता चला है कि बच्चे कहीं दूसरी क्लासेस अटेंड करने जाते हैं, इसलिए उनका टाइम सेम होता है तो वो ये क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं। इज इट लाइक दिस? अपनी क्लास में है कोई ऐसा? ओके खैर तुम लोग देखो, मुझे तुम्हारी अटेंडेंस लास्ट में शॉर्ट हुई या कुछ और प्रॉब्लम आई कि ये नहीं हुआ असेसमेंट के इंटरनल असेसमेंट में मार्किंग, क्योंकि तुम्हारा परफॉर्मेंस जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही होगी, बाद में फिर रोना मत। इसलिए जो बच्चे ये बिल्कुल, ये 5-6 बच्चे तो बिल्कुल साक्षी कुजूर को पता नहीं कितने दिन हो गए क्लास अटेंड किए हुए। इज शी हियर टुडे? नहीं है। साक्षी कुजूर का जो भी फ्रेंड है, और कोई फ्रेंड नहीं भी हो तो उसको जरा इन्फॉर्म कर देना, बता देना कि मैडम बोल रही थी कि तुम फ्रिक्वेंटली एब्सेंट हो रही हो, व्हाट इज द रीजन? साक्षी कुजूर, एक इसमें वेदिका है आज, वेदिका भी बहुत फ्रीक्वेंटली एब्सेंट होती है, वेदिका को भी समझाओ जो उसकी फ्रेंड है। बॉयज में भी, बॉयज में कौन है? त्र्यंबकेश को भी बहुत नेटवर्क इशू रहता है जब देखो तब। त्र्यंबकेश भी क्लास में रेगुलर नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। नुपुर का तो अभी रीजन है, लेकिन नुपुर भी बहुत ज्यादा इरेगुलर है। ऐसे ही कार्तिक शर्मा भी बहुत कम इसका मुझे प्रेजेंस दिखाई देता है क्लास में। जतिन, अर्चित, ये लोग जवाब। अर्चित तुम क्लास में हो? यस मैम, बेटा जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तुम लोगों की तरफ से आंसर क्यों नहीं आता है? अगर तुम लोग आइए समझ लो कि ये डेली बेसिस पे असेसमेंट चल रहे हैं, अभी तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट जैसे लास्ट ईयर होते थे उस तरह से तो नहीं हो पा रहे ना, तो इन चीजों पे ध्यान दो। ओके एंड जस्ट इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स ऑल्सो, दे शुड ऑल्सो बी रेगुलर। ओके
Now let's watch the next question. Question number. Then again, देखें तो ये वाला एंगल भी इक्वल होगा ए बी ओ सी डी ओ. ये भी क्या होगा? अल्टरनेट है. हम अलग से रोक करते तब क्या होता है? Yes. Now let's see question number four. Anjan, you read question number four, beta. In figure 6.36, QR upon QS is equals to QT upon PR and angle 1 equals to angle 2. Show that triangle PQS is similar to triangle TQR. हाँ, अब इसमें देखो, इसमें क्या गिवन है? QR upon QS. ये QR, ये पूरी लाइन QR divided by QS, मतलब इसमें इक्वल टू क्यू टी, यानी क्यू टी अपॉन में क्यू टी अपॉन में पी आर, इसके अपॉन में है. एंड एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू. एंगल वन यहाँ बन रहा है और एंगल टू यहाँ बन रहा है, तो हमको शो क्या करना है? पी क्यू एस. ये पी क्यू एस मतलब ये जो छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है अंदर, ये कॉन्ग्रुएंट शो करना है क्या बेटा? मैम बुक में सिमिलैरिटी. ओके, नाम और ऑर्डर और एंगल फिगर सब सही है यहाँ पर? इज इट अकॉर्डिंग टू बुक? यस मैम. ओके मैम, लेकिन बीच में कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल बना दिया. हाँ वही, मैं इसीलिए मुझे लगा कि डाउटफुल, तभी तो डाउट आया कि नाइन्थ में है कॉन्ग्रुएंसी, टेंथ में सिमिलरिटी है, दैट्स व्हाई आई हैव आस्क्ड, तभी तो मैंने तुरंत पकड़ लिया उसको. मैम हमारे बुक में लिखा है केवल, बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे बेटा हम. ये इसमें कई बार मिसप्रिंट हो जाता है, हम लोग बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे. इसीलिए मैं तुमसे कंफर्म करना चाह रही हूँ कि ये जो नाम लिखे हैं, ये जो रेशो लिखे हैं, ये सब सही लिखे हैं क्या? एक बार चेक. और सब तो सही है ना, बाकी सब सही है. ओके ओके, नाउ हाउ विल वी सॉल्व? फर्स्ट ऑफ ऑल एज ऑलवेज वी डू, फर्स्ट वी राइट गिवन, देन टू प्रूव, एंड देन प्रूफ, और यू हैव टू ड्रॉ द फिगर्स ऑल्सो. फिगर हमेशा हर क्वेश्चन में ड्रॉ करना ही है, और जब जो भी लिखते जाते हो पेंसिल से उस फिगर में, उतने पार्ट को हाईलाइट करते रहा करो. ओके, तो नाउ वी हैव टू शो पी क्यू एस. ये पी क्यू एस मतलब छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर है किसके? टी क्यू आर. ये टी यहाँ पर है, तो ये टी क्यू आर इसके सिमिलर है. तो इसको शो करने के लिए हमको पहले क्या क्या गिवन है? पहले इन दोनों ट्राइंगल को साइड में अलग से बना के देख लेते हैं. तो इसको कौन सा ट्राइंगल ले लिया हमने, अलग से ड्रॉ कर लिया, ये पी क्यू एस और ये जो है कौन सा टी क्यू आर, इन दोनों को देख लिया, जो प्रूव करना है उन्हीं को. तो पी क्यू एस और टी क्यू आर उसी ऑर्डर में देखेंगे हम, जिस ऑर्डर में सिमिलरिटी प्रूव करनी है. ये ध्यान से समझना, तभी तुम्हें करस्पॉन्डेंस समझ आएगा, है ना. अब क्या कर सकते हैं इसमें, कौन कौन से क्या क्या गिवन है? ये जो इसका एक एंगल वन है, ये इक्वल है इसके एंगल टू के. तो अब डायरेक्ट तो कहीं कुछ रिलेशन दिख नहीं रहा है. क्या गिवन है? क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस. अब क्यू आर इसमें तो है ही नहीं, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्यू टी. तो अब टी, ये क्यू टी अपॉन में पी आर, तो ये पी आर ये वाला है. तो अभी डायरेक्ट कुछ रेशियो इसमें गिवन नहीं है, मतलब डायरेक्ट हमारे पास में सॉल्यूशन नहीं आ रहा है. इट मींस वी नीड टू डू सम कंस्ट्रक्शन, है ना. तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो यहाँ पे हियर वन लाइन इज ड्रॉन एस पी, पी से पी यहाँ पे गिवन ही है, ये पी एस. अच्छा हाँ, गिवन ही है, सॉरी मैम, पी एस गिवन है. गिवन है, गिवन है, यस यस यस, सॉरी सॉरी. हाँ तो अब इसमें हमने पी एस, ये जो है इसमें आप देखते हैं. सो लेट्स वॉच इट. तो ये क्या है? पी क्यू आर, पी क्यू आर, क्योंकि ये लाइन देखें आप, पी आर इसके अंदर आ रहा है एंगल टू, तो ये एंगल वन, ये एंगल टू. इस वाली लाइन को हमने यहाँ से हटा दिया है अभी, क्योंकि ट्राइंगल कौन सा देख रहे हैं? पी क्यू आर. अब इस ट्राइंगल में आप देखें एंगल वन और एंगल टू क्या है? इक्वल, क्योंकि हमको ये गिवन है. तो एंगल वन और एंगल टू इक्वल है, तो इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं? इक्वल. तो यहाँ पर ये वन और टू दोनों क्या है? इक्वल. अब यहाँ पे ना बेटा डायरेक्टली नहीं दिया है कि कौन सी साइड्स इक्वल है, या हम अब ये हम क्यों लेंगे,
ऐसा लेने से अपने को क्या मिल जाएगा, पी क्यू और पी आर इक्वल है, मतलब यहाँ पे कहीं पे हम पी क्यू और पी आर को आपस में, जैसे ये पी आर आ रहा है इक्वेशन वन में, इसको कहीं ना कहीं हम रिप्लेस कर पाएंगे. सो फर्स्ट वी हैव टेकन विच ट्राइंगल, हम इस ट्राइंगल में देख रहे हैं बेटा पी क्यू आर में, पी क्यू आर ट्राइंगल लिया है, तो पी क्यू आर ट्राइंगल में देखो क्या गिवन है, एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू, इट मीन्स ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन isosceles triangle. Because in ninth class we have studied angle opposite to equal sides are equal as well as sides opposite to equal angles are equal. तो मतलब angle 2 के opposite PQ है, angle 1 के opposite PR है, और 1 और 2 आपस में equal है, तो PQ is equals to PR. इसका हम use करेंगे. Yes. It means 2 के opposite side is PQ, 1 के opposite side is PR. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? Equal. तो यहां से देखें ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू इक्वल्स टू पी आर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एंगल्स हैं ये इक्वल है और इनकी अपोजिट साइड क्या होंगी? इक्वल. तो यहाँ पर हमने क्या किया, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर आ गया ट्राइंगल पी क्यू आर में. ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर क्या आ गए? इक्वल. कैसे? क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड है इक्वल एंगल्स की, तो यहाँ इक्वल एंगल है और इन दोनों के अपोजिट साइड है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? इक्वल. Then, अब यहाँ पर आप देखें जो हमको गिवन है क्यू आर ओवर क्यू एस क्यू टी ओवर पी आर. तो यहाँ से देखें क्यू आर ओवर क्यू एस एज इट इज आएगा, क्यू टी भी रहेगा, बट पी आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है यहाँ पर कि पी आर किसके इक्वल है, पी क्यू के. तो हम यहाँ पर पी आर को रिप्लेस कर देंगे पी क्यू से. Yes, as I have explained you the same thing, है ना, मैंने तुम्हें अभी बोला ना, ये जैसे ही तुम इक्वल बता दोगे, हम कोई भी काम इसलिए करेंगे ताकि हमको जो क्वेश्चन में प्रूव करना है उस रिजल्ट से रिलेटेड हमको आंसर मिलते जाए. So here we have shown angle 1 equal to 2 है, तो these two sides are equal. तो जहां पे भी हम PR है, अगर इस PR को replace कर सकते हैं किससे? PQ से. और जैसे तुमने इसको replace किया, तो what will you get? QR upon QS, ये QR upon QS is equals to QT upon में QP. PQ लिखोगे और मतलब PQ QP वही हुआ. तो अब इन दोनों triangle में देखना कौन सा बेटा, QRT और QSP, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो QS अपॉन QR इज इक्वल टू QP अपॉन सॉरी QT अपॉन QP, है ना, ये साइड और एंगल वन दोनों में कॉमन हो गया. तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल जो ब्लू लाइन से बने हुए दिख रहे हैं, सबको? Yes, ma'am. ब्लू लाइन वाले ट्राइंगल पे हाईलाइट करो, एक ट्राइंगल है QRT और दूसरा है QSP, ठीक है. तो ये इस पे ध्यान दो, तो इसमें क्या है, QR upon QS is equals to QT upon QP हो जाएगा. PQ को QP लिख सकते हो ना, PQ को yes, QP. ma'am. तो ये दोनों Thales theorem से PS और TR parallel हो जाएंगे. हाँ, अभी पहले इसको ये तो बता दें कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं सिमिलर, कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हैं? मैम क्या? ये दोनों ट्राइंगल कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे? साइड एंगल साइड. हाँ, वेरी गुड, साइड एंगल साइड से, क्योंकि टू करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल बताया और उनसे इंक्लूडेड एंगल, ये एंगल वन जो है इट इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल. सो एंगल वन इज कॉमन, तो ये हो गया साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बेटा, सिमिलर हो गए. इज इट क्लियर टू यू? यू शुड ऑल्सो ड्रॉ विद डिफरेंट कलर सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू. ये क्लियर हो गया सबको? यस मैम. ललित समझ में आया? ललित है क्लास में? है क्या बेटा ललित क्लास में? Yes, ma'am. मैं समझ में आया मुझे? Yes, ma'am, थोड़ा थोड़ा. ध्यान थोड़ा. साफ साफ करने को ओके स्विच ऑफ करो.
नाउ लेट्स वॉच इट देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसको इक्वेशन फर्स्ट दिया था ये हमको गिवन है तो qr ओवर qs एज इट इज रहेगा qt भी एज इट इज रहेगा क्योंकि pr की वैल्यू हमने फाइंड की है अभी pq देखो कितने अच्छे से डिफरेंट कलर से लिखने में समझ में भी कितने अच्छे से आ जाता है ये इक्वेशन वन है इसके ये तीनों पार्ट तो एक जैसे ही है तो उसको उसने वैसे ही लिखा है कौन सा पार्ट रिप्लेस हुआ है पीआर पीआर को किससे रिप्लेस किया है पीक्यू से पीक्यू क्यूपी कुछ भी लिख सकते हो साइड वही रहेगी को रिप्लेस कर देंगे किससे पीक्यू से तो हमको मिल गया क्यूआर ओवर क्यूएस क्यूटी ओवर पीक्यू देन अब देखें तो हमको प्रूफ क्या करना है हम वहां पर जा सकते हैं क्योंकि हमको प्रूफ करना है पीक्यूएस और टीक्यूआर पीक्यूएस मींस पीक्यूएस टीक्यूआर इन दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर प्रूफ करना है तो ये सिमिलरिटी आ गई बेटा अपनी है ना कि नहीं आई PQS PQS TQR हमने अभी तो बताया इसको सिमिलर है ना साइड एंगल साइड से यस यस हां तो यस मैम क्वेश्चन इज डन या तो साइड इक्वल हो एक एंगल इक्वल हो या फिर तीनों साइड इक्वल हो या फिर तीनों एंगल इक्वल हो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा अलग-अलग सेपरेट यहां पर ड्रॉ कर लिया देन ये क्यू तो आपका वन है देन अब ये जो रेशियो हमारे पास है यहाँ देखिए तो ये हमको गिवन था और क्योंकि पीआर पीक्यू होता है तो इसलिए हमने पीआर की प्लेस पर पीक्यू लिख दिया ओके नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट ओके वो लास्ट क्वेश्चन समझ में आ गया सबको यस है ना उसकी सिमिलरिटी तो हम प्रूव कर ही चुके थे नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 5 यस युवराज यू रीड द क्वेश्चन युवराज इज देयर इन द क्लास यस सर हां एस एंड पीआर पॉइंट्स ऑन साइड्स पीआर एंड क्यूआर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आरटीएस आरटीएस सो दैट ट्रायंगल आरपीक्यू एंड ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल आरटीएस ओके ठीक है यस ये दोनों क्या है इक्वल और हमको प्रूफ करना है कि एंगल ट्रायंगल आरपीक्यू सिमिलर होगा बेटा एक बार क्वेश्चन को चेक कर लिया करो बिकॉज़ इन फ्रंट ऑफ मी द क्वेश्चन इज व्हिच इज ऑन द स्क्रीन है ना तुम लोग बुक से देख के एक बार सारे नेमिंग चेक कर लिया करो हां अकॉर्डिंग हम यहां पर फिगर ड्रॉ करते हैं तो ये हुआ हमारा ट्रायंगल अब यहां पर क्या गिवन है हमको पी आर पे एस पॉइंट है क्यू आर पे Now if the figure is not given in the question, how can we draw? First read the question, S and T are the points on the sides PR and QR of a triangle PQR. इसका मतलब सबसे पहले हमको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है PQR. तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे PQR. अगर यहाँ पर P ये Q ये R होता है तो इसकी PR पे कौन है S. तो ये PQR, R यहाँ है तो ये PR पे इधर S हो गया इधर हो गया T. है ना ये दो पॉइंट ड्रॉ कर वो कैसे हैं कि एंगल पी ये एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी एस आर टी एस अब टी कहीं ना कहीं इसमें हमको बनाना है तो लेट्स सी मींस पी आर एंड क्यू आर पी आर क्यू आर पी आर पे एस है और क्यू आर पे टी है अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है सपोज करिए यहाँ पर हमारा एस पॉइंट है और यहाँ हमारा टी पॉइंट है तो ये पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं यहाँ पर आपको गिवन नहीं है कि मिड पॉइंट है या फिर इनसे हाँ इन चीजों पे बहुत ध्यान रखना है ऐसा नहीं कि एस टी ड्रॉ करते से तुम्हें लगने लग जाए कि एस टी इज पैरेलल टू पी क्यू ऐसा अगर सोचोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि एस और टी पॉइंट इन साइड्स पर कहीं भी है तो वो जरूरी नहीं है कि पी क्यू के क्या होगी पैरेलल हो एक केस ऐसा हो सकता है कि उसमें पैरेलल होगी बट ऑलवेज इट विल नॉट बी तो इसलिए हमको किसी हर जो एक जनरल केस होता है उसके ऊपर हम काम करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सो वो जॉइंट करने पर पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ होगी ऐसा कुछ भी नहीं होगा ये पॉइंट आप कैसे भी यहाँ पर ले सकते हैं देन और हमको क्या दिया हुआ है सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू तो ये जो एंगल पी है ये किसके इक्वल गिवन है आर टी एस आर टी एस तो ये भी समझ में आ रहा है कि एस और टी को जॉइंट करना है इस एंगल के इक्वल है RTS equals to angle P. You should also draw the figure parallelly साथ साथ draw करते जाओ तभी तुम्हें question को समझते हुए
अभी फिगर ड्रॉ करोगे तो क्वेश्चन का सोल्यूशन भी अच्छे से समझ में आएगा. सॉल्व इट प्रॉपरली. हैव यू ड्रॉन द ट्रायंगल PQR? यस मैम. अच्छा, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यहाँ ऊपर पी की रू क्यों नहीं लिया, यहीं के नाम हम कहीं भी दे सकते हैं. इस बस इस तरह से लिखे कि हमें समझने में क्या हो, आसानी हो. अब अगर हमने पी क्यू नीचे लिया है बेटा, तो ये एस टी का समझ में आएगा कि कौन सा एंगल है. समझने में आसानी होती है, जो सीधा व्यू होता है उसको समझने में आसानी होती है. वो इसको अगर तिरछा कर देते या आड़ा कर देते तो फिर हमको थोड़ा सा समझने में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है. इसलिए बाकी ऑर्डर आप कुछ भी रख सकते हो. एस टी अगर यहाँ पे पी क्यू आर ऐसे लिखते तो भी चल जाता, देर इज नो प्रॉब्लम. यहाँ लिखा है क्योंकि अब इससे क्या है, तुम्हें क्लियरली ये समझ आ रहा है. अब कौन कौन सा एंगल इक्वल है, ये एंगल पी और आर टी एस, चाहे तो इसको एंगल वन और एंगल टू दे सकते हो. अब हमें शो क्या करना है, ट्राइंगल आर पी क्यू. ऑर्डर पे बहुत ध्यान देना, आर पी क्यू सिमिलर है किसके, ट्राइंगल आर टी एस. आर टी एस, अरे तो बहुत आसान सा दिख रहा है, आर पी क्यू आर टी एस इसके. तो अब इसमें एक एंगल तो ऑलरेडी बताओ, अब मैं तो बताती ही नहीं हूँ, इसमें तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया मैम. हाँ, इसमें मैम आर कॉमन है ना, तो आर इक्वल हो जाएगा. हाँ हो जाएगा ये मैम, एंगल एंगल कुछ दम ही नहीं निकला है ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया. ये तो ऐसा क्वेश्चन हो गया, इतना इसका ड्रॉ किया ये किया, तो ये एंगल इन्होंने इक्वल दे ही रखे हैं, एंगल आर कॉमन है, एंगल एंगल से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. बस काम खत्म. खत्म हो गया क्या काम पक्का? एंगल आर पी क्यू इक्वल टू आर टी एस, एंगल आर कॉमन, तो आर पी क्यू सिमिलर टू आर टी एस. हो गया ये तो क्वेश्चन? यस ना? यस मैम. यस मैम. तुम अपने आप से करो, फिर सॉल्यूशन देखना. छोटा वाला ट्रायंगल, जल्दी से करो फटाफट. क्या क्या चीजें सेम है, तो सबसे पहले चीज जो हमको गिवन है, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर. अभी भले ही तुम प्रूफ सिर्फ लिखो शॉर्ट में, लेकिन जब होमवर्क कॉपी में लिखोगे इस तरह से प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन चाहिए मुझे. साइड में इस तरह से फिगर ड्रॉ हो, तुम्हारा गिवन टू प्रूव इफ कंस्ट्रक्शन इज देयर देन कंस्ट्रक्शन देन प्रूफ इट मस्ट बी देयर लाइक दैट. टी एस ये दोनों इसमें इक्वल है, क्योंकि जो आर टी एस है ये ऊपर वाले ट्रायंगल का है, और जो एंगल पी है ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका है. मींस ये दोनों क्या है, इक्वल. ये तो हमको गिवन है. देन इसके अलावा अगर आप देखें, ये जो आर है ये दोनों में है. कैसे देखें आप, एस आर टी पी आर क्यू, क्योंकि ये जो आ रहा है ये क्या रहा है, दोनों में इतना लिखने की बजाय सिंपली तुम तो नाम दे देना यहाँ पे, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, और यहाँ पे चाहे तो एंगल थ्री दे देना, तो एंगल थ्री इक्वल टू एंगल थ्री कॉमन. और यहाँ तुम्हारा मन हो वन देने का, तो ये वन, ये टू, ये थ्री, जिसको भी नेमिंग तुम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. लेकिन अगर इस तरह से नेमिंग करते हो तो वो फिगर में वहां पर मेंशन करना. अगर तुमने फिगर ड्रॉ कर दिया उसमें वन टू थ्री नहीं लिखा और इधर सॉल्यूशन में वन टू थ्री लिख दिया, तो जीरो मिलेंगे कि वन टू थ्री है कहाँ, हवा में एंगल नहीं होंगे. इट मस्ट बी विजिबल ऑन द फिगर. इज इट क्लियर? यस मैम. क्योंकि अब बड़ा वाला ट्राइंगल आर क्यू तो इसमें भी आर आ रहा है, और छोटा वाला ट्राइंगल देखें आर टी एस तो इसमें भी आर आ रहा है. मीन्स होपफुली यू ऑल हैव डन इट. प्रूफ हो गया सबका, ये क्या हो गया जिन्होंने कर लिया. वैसे ये इतना आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ करने लायक था ही नहीं. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये था क्वेश्चन नंबर 5. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग इन फिगर 6.37 इफ ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ए सी डी. नाउ इज द क्वेश्चन इज करेक्ट. शिवम, शिवम आर यू देयर इन द क्लास? शिवम है क्लास में? युवराज, अभी युवराज नहीं पढ़ा था ना लास्ट क्वेश्चन? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, किसने पढ़ा? युवराज ने. हाँ, अभी केशव, केशव तुम पढ़ो. इन फिगर 37 एफ बी ई
is equal to triangle ACD, show that triangle ADE is equal. केशव बेटा तुम इक्वल इक्वल पढ़ रहे हो क्या? ये इक्वल है साइन कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट कौन सा कॉन्ग्रुएंट है? दोनों कॉन्ग्रुएंट है। जल्दी बताओ दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या? नो मैम, नो मैम। फिर क्या है पढ़ो, ये क्या है फर्स्ट जिस पे मेरा कर्सर है, ये कौन सा साइन है? कॉन्ग्रुएंट। और ये सिमिलैरिटी। हाँ सिमिलर, तो ढंग से पढ़ो, इक्वल इक्वल पढ़ रहे थे। इतना हमारा ट्रायंगल चैप्टर खत्म होने आया बेटा। ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई मतलब ये वाला जो दो ब्लू और एक पर्पल लाइन से दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, ए सी डी इसके कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ ध्यान रखना। यही दिया है बुक में भी? Yes, ma'am. हाँ, yes, ma'am. तो हमको क्या करना है कि ADE जो है ये ADE ऊपर वाला इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ये हमको शो करना है। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है बेटा तो सीपीसीटी से एक एंगल, तो एंगल ए तो कॉमन ही हो गया दोनों में, होगा कि नहीं होगा? ADE और ABC में देखो, ADE में एंगल ए इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए एक एंगल तो कॉमन ही हो गया। अब दूसरा एंगल तुम ढूंढ के बताओ मुझे, या फिर ये जो कॉन्ग्रुएंट है। हाँ इसके अलावा मैम एबी और ए इक्वल हो जाए, एसी और एबी इक्वल हो जाएगा ना? एबी इक्वल है एसी के, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ? साइड साइड मैम सिमिलैरिटी, साइड एंगल साइड, तो ये कहाँ इक्वल है बेटा? अच्छा एडी इक्वल हो जाएगी किसके? एई के? एई के नहीं, एई इक्वल होगी एबी। हाँ एई, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कौन बोल रहा है? हाँ बोलो। एबी इक्वल टू एसी हो जाएगा और एई इक्वल टू एडी। अच्छा फिर इक्वल होने से हमको रेशियो भी तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल तो नहीं, सिमिलरिटी के लिए तो हमको रेशियो चाहिए। फिर क्या करेंगे? तो मैम हम लोग मैम उनका रेशियो लिखेंगे तो उसको एडी से एई को रिप्लेस कर देंगे और एबी से एसी को रिप्लेस कर देंगे। चलो ठीक है, ओके। मींस ये जो कंप्लीट ट्रायंगल है ये दोनों क्या सिमिलर, तो हमको गिवन कौन सा ट्राइंगल है ये हम देख लेते हैं। तो पहला ट्राइंगल है ए बी ई, तो यहाँ से देखें ए बी ई मीन्स ये जो ट्राइंगल है आपका पिंक कलर से जो दिख रहा है, ए सी डी मीन्स ए सी डी, तो ये दोनों ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंट गिवन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पिंक लाइन से हमने अंडरलाइन किया हुआ है ए बी ई ये ट्राइंगल, और जो येलो लाइन से हमने ट्राइंगल किया हुआ है ए सी डी, ये दोनों ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंट गिवन है। और कॉन्ग्रुएंट गिवन है इट मींस क्या होगा कि सारे के सारे साइड्स का रेशियो और सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे इक्वल गिवन है, हम वो लिख लेते हैं और जो प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको गिवन क्या है कि ये जो दो ट्राइंगल है कौन कौन सी, ए बी ई और ए सी डी, ये दोनों ट्राइंगल हमको गिवन है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, दोनों जो साइड उनका रेशियो मीन्स यहाँ पर ए बी ओवर ए डी, ए सी ओवर ए ई मीन्स इनके जो रेशियो है वो भी क्या हो जाएंगे इक्वल। अब यहाँ पर हम एक चीज करते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया आप देखें हाँ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर पाए, क्योंकि ये इक्वल गिवन है कि ए बी इक्वल है ए सी के, इसको चाहे तो तुम इक्वेशन वन दे दो, और ए डी इक्वल है ए ई के, इसको इक्वेशन टू दे दो। नाउ इक्वेशन वन इज डिवाइडिंग बाय इक्वेशन टू, तो कैसे डिवाइड होगा बेटा, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। तो अब ये जो होगा, ये जब लिख दिया तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस ए सी को कहाँ ले आए इधर और ए डी को ले गए उधर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको जो करस्पॉन्डिंग रेशो चाहिए, क्योंकि ए बी के अपॉन में कौन चाहिए हमको,
ये AB के अपॉन में AD आ गया है इधर और AC के अपॉन में AE आ गया है ना। हाँ एज इट इज है, ये जो AC है ये इक्वल्स टू को उस तरफ जाएगी, तो ये अभी न्यूमरेटर में, ये कहाँ जाएगी डिनोमिनेटर में, तो हमने इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया इक्वल्स टू को उस तरफ भेज के। इस तरह ये जो AD है, AD है ये डिनोमिनेटर में इक्वल्स टू किस तरफ आएगा, तो ये कहाँ जाएगा न्यूमरेटर, मीन्स यहाँ पर AC यहाँ चले गया AD यहाँ, तो ये हो गया AB ओवर AC AD ओवर AE, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हमको प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं, जो प्रूफ करना है वो, तो हमको क्या प्रूफ करना है, ADE ABC ये दोनों क्या है सिमिलर। अब सिमिलैरिटी के लिए आपको पता है कि कौन कौन से क्राइटेरियन है हमारे पास, चार क्राइटेरियन है, एंगल एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, एंगल 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, साइड 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी और साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। तो इन दोनों ट्राइंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है, तो हम देखते हैं कि इसमें हमको क्या क्या चीजें मिल सकती है। पहली चीज तो आप देखिए यहाँ पर AB ओवर AC AD ओवर AE, AB ओवर AC AD ओवर AE, इट मीन्स यहाँ पर जो ट्राइंगल्स है हमारे दो जिनको हमको सिमिलर प्रूफ करना है, यहाँ पर उनकी साइड्स का रेशियो हमको क्या गिवन है, एक बार इसको लिख लेते हैं। तो हमको कौन कौन से ट्राइंगल यहाँ पर सिमिलर प्रूफ करना है, ADE ABC ADE ABC, तो ADE और ABC की अगर बात करें तो AB ओवर AC AB ओवर AC देन AD ओवर AE AD ओवर AE, इट मीन्स क्या हो गया कि हमको यहाँ पर दो साइड्स क्या मिल रही है इक्वल। देन अब आप ये जो ट्राइंगल ADB और ABC इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए, मींस अगर दोनों ट्राइंगल में आप देखें तो ये वाला जो एंगल है ये दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, मींस DAE BAC, तो यहाँ पर DAE मींस DAE BAC, तो ये दोनों ही दोनों ट्राइंगल में क्या है कॉमन है, और कॉमन इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, तो यहाँ से दो साइड्स हमको मिल गई और एक एंगल। ये बताओ मुझे ये सही चल रहा है इसमें, ये वाला जो ये पोर्शन है मैम नहीं चल रहा मैम, ये AB और ये जो उसने इक्वेशन 1 बनाई है मैम वो करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो गलत और हो गया, जरूरत नहीं है। यस दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, मैंने इसीलिए मैंने सोचा कि पहले पूरा देखते हैं फिर मैं तुम लोगों से पूछती हूँ। मैम क्योंकि इसने तो एक ही ट्रायंगल की साइड्स को प्रोपोर्शनल रख दिया है उसका रेशियो बनाने, वही है बेटा मैं वही चीजें तुम्हें बार बार समझाती हूँ कि अगर वीडियो देख के और सॉल्यूशन सिर्फ देख के हमको समझ में आ जाता तो फिर हमारी कोई जरूरत ही नहीं होती। अभी ये समझ में आया कि देखो वीडियो में भी सारी चीजें सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट वेन एवर आई एम शोइंग इट आई कैन कैच इट एंड आई कैन मेक इट क्लियर टू यू। तो यहाँ पे देखो ये कुछ भी ये वाला पार्ट नहीं है, ये इक्वेशन 1 वाला पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ तक का सही है। तो AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE, ये अगर आ जाता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसी को इक्वेशन 1 लेंगे और AB अपॉन AC इक्वल्स टू, ये गलत है, तो क्या आएगा AB अपॉन AD आएगा इक्वल्स टू AC अपॉन AE आएगा, ये जब लिखेंगे हम यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे और एंगल A दोनों में कॉमन है, तो ये क्या आ गया बेटा AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE, तो दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और एक कॉमन एंगल इक्वल है, इट मींस फ्रॉम साइड एंगल साइड दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जो हमको प्रूव करने थे। इज इट क्लियर, एनी डाउट इन दिस, किसी को डाउट है? नो मैम। सब बच्चे बताओ किसी को डाउट है, ये क्लियर हुआ? यहाँ पे ये जो है ये नहीं लिखना है, कुछ टीपू सुल्तान जो लगे होंगे टीपने में धड़ाधड़ छापने में देख के वो ध्यान से सुन लें, यही वाली इक्वेशन 1 है, यहाँ कुछ क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दिस इज ओनली इक्वेशन 1 और इसी को ही हम यूज करेंगे प्रूफ में। तो यू विल राइट AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन इन बोथ, देन फ्रॉम साइड एंगल साइड दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हेंस इट इज डन। अब मुझे लगता नहीं इसमें आगे और कोई क्वेश्चन है, सो आई एम मेकिंग इट स्टॉप। यस, सो हाउ मेनी क्वेश्चंस वी डिड टुडे, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया, अभी और कितने पार्ट है इसमें? 10 मैम, 10 क्वेश्चन और बाकी। अच्छा 16 क्वेश्चंस आर देयर? यस मैम। तो बेटा इसमें से 16 में से इतने मैंने करवाए, थोड़ा खुद से भी करो, जैसे अभी देखो पता चला कि वो एक क्वेश्चन कितना आसान था,
वो जिसमें इधर और इधर का एंगल दिया था, जिसको मैंने कहा था कि इट्स सो इजी। तो इस तरह के क्वेश्चंस तुम लोगों को करना है। देखो अभी बीच में ही कुछ बच्चे ये क्लास, ये बेटा तुमको एक बात और मैं क्लियर करना चाह रही हूँ, जब ये तुम्हारी अटेंडेंस की सीएसवी फाइल आती है उसमें पूरा रिकॉर्ड आता है कि आपने कितनी बजे क्लास ज्वाइन की, नेटवर्क इशू या किसी भी इशू की वजह से आप कैसे क्लास से बाहर हो गए, अगेन व्हेन यू ज्वाइन द क्लास, अगेन व्हेन यू लेफ्ट द क्लास। तो ये सारा रिकॉर्ड होता है कि आप क्लास में कितने से कितने बजे तक रहे, कितने से कितने मिनट गायब रहे, कितने से कितने मिनट वापस आ गए। कई बच्चे शुरू के 10 मिनट और लास्ट के 10 मिनट आते हैं, ये सब रिकॉर्ड जाता है। और हम ये सब चीजों पे बिल्कुल काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कौन बच्चा फ्रीक्वेंटली, हाँ कभी कभार किसी को नेटवर्क इशू हो सकता है, बट किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही नेटवर्क इशू रोज रोज नहीं होता। हम लोग भी बेटा बहुत तुम लोगों की तरह ही टेक्नो स्मार्ट हम भी होते जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये चीजें तुमको ध्यान रखनी होंगी। और मुझे पता है मैं बेचारे जिन बच्चों को सुना रही हूँ उनमें से कई ये नहीं करते, जो यहाँ नहीं है वो बच्चे बदमाशियां करते और सुन तुम रोक रहे हो, पर तुम्हें इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम उन लोगों तक मैसेज कन्वे कर पाओ। तो बेटा अटेंडेंस अभी हम लोग बहुत ध्यान से देख चेक कर रहे हैं कि कौन रेगुलरली एब्सेंट हो रहा है और कौन बीच बीच में आ रहा है, कौन सिर्फ अटेंडेंस का तिलक लगवाने आ रहा है, ये भी सब समझ में आ रहा है। तो इन सब चीजों पे ध्यान दो, कौन असाइनमेंट भेज रहा है समय पे, कौन नहीं भेज रहा है, वो भी सब हम लोग नोट कर रहे हैं। हाँ अब जो इम्पोर्टेंट चीज तुम लोग को बताने वाली थी मैं, व्हेन वी विल कंप्लीट दिस सिक्स्थ चैप्टर देन वी विल स्टार्ट ऑनलाइन लैब एक्टिविटीज। ऑनलाइन ही मैं तुम लोगों से लैब एक्टिविटीज करवाऊंगी। अभी तुरंत इसलिए नहीं करवा रही हूँ कि अभी तुम लोग के पास लैब फाइल है नहीं है, तो तुम लोग वो अरेंज कर लेना अपने पास तब तक। एंड देन ऑनलाइन वी विल सी कि हाउ कैन बी कंडक्टेड। मैं तुम्हें ऑनलाइन मोड पर ही एक्टिविटीज भी कंडक्ट करवाऊंगी और वो तुम्हें उस समय वीडियो ऑन करके मेरे साथ साथ करते जाना है, देखते जाना है और फिर उसको अपनी फाइल में करना है। बिकॉज यू पीपल मस्ट बी नोइंग अबाउट इट कि इन योर मैथ सब्जेक्ट ऑल्सो यू हैव टू परफॉर्म मैथ्स लैब एक्टिविटीज एंड इट इज द पार्ट ऑफ योर इंटरनल असेसमेंट। यस ये पता है सब लोगों को, यस मैम। नाइन्थ में भी तुम लोगों ने किया है और कई बच्चे बहुत अच्छे हैं जो 100 में से 100 ला सकते हैं, लेकिन 100 में से 100 तब होंगे जब उनकी एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल मार्किंग भी उतनी ही अच्छी होगी, उतना ही सिंसियरली वो क्लास को लेंगे। मेरा बिल्कुल ऑब्जर्वेशन है। वेदिका तुम बहुत बाद में आई क्या बेटा क्लास में, जब मैंने तुम्हारा नाम लिया था यू आर नॉट देयर इन द क्लास। वेदिका यस मैम, डिड यू ज्वाइन द क्लास लेटर ऑन और समवन सेंट यू द मैसेज कि मैम तुम्हारा पूछ रही है? नो नहीं मैम, किसी ने भी नहीं बोला था मैम। मैंने क्लास तो 3-4 पे ही कर ली थी, फिर उससे पहले भी, फिर थोड़ी सी देर के लिए लीव करके फिर वापस से आ गई थी मैम जल्दी से। क्योंकि मैंने तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछा था एट दैट टाइम यू वर नॉट देयर मैम, शायद उसी वक्त मतलब बीच में की हो तो अब आपने पूछा हो। हाँ क्योंकि मैं नहीं, सारे बच्चे बता सकते हैं मैंने तुम्हारा नाम लिया था एंड यू आर नॉट देयर, तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पांस यस नहीं मिला। मैम, हाँ तो बी रेगुलर इन द क्लास यस चिल्ड्रन, और लैब एक्टिविटी के लिए सब लोग अपनी फाइल अरेंज कर लें। हम जैसे ही चैप्टर 6 कंप्लीट होता है वी विल स्टार्ट लैब एक्टिविटीज। हाँ नाउ लिसन, यस लैब एक्टिविटीज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है।